प्रयागराज में जब से नौसिखिए लड़कों ने मंझे हुए माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ को ढेर किया है, तभी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया डॉन सुंदर भाटी चर्चाओं में आ गया है। कहा जा रहा है कि जिन लड़कों ने अतीक अहमद और उसके भाई को हथकड़ियों में बंधे बंधे ही मार डाला, वे लड़के सुंदर भाटी ने तैयार किए थे। हालांकि इन तमाम चर्चाओं पर प्रयागराज पुलिस अभी कुछ भी नहीं बोल रही है, मगर धुआं वहीं उठता है जहां कभी आग लग चुकी थी। सुंदर भाटी इस वक्त सोनभद्र जेल में बंद है। आशंका जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ की हत्या जिस जिगाना पिस्टल से हुई है, वो सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही सनी को दी गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये सुंदर भाटी, उसका अतीक और अशरफ की हत्या से क्या है कनेक्शन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, मारपीट के 60 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। भाटी को बीते साल ही हरेंद्र प्रधान की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्तमान में वो सोनभद्र जेल में बंद है, लेकिन लगभग 1.5 साल पहले सुंदर भाटी हमीरपुर जेल में बंद था। इसी हमीरपुर जेल में सनी सिंह लूट की वारदात को अंजाम देने के चलते बंद किया गया था। इसी जेल में सनी की दबंगई को देखकर गैंगस्टर भाटी उसे अपने करीब लाया और धीरे धीरे सनी उसका चेला बन गया। कुछ समय बाद सुंदर भाटी को हमीरपुर से सोनभद्र जेल में बंद कर दिया गया और तभी सनी भी जेल से छूटकर बाहर आ गया। इसके बाद वो भाटी के गुर्गों के संपर्क में रहने लगा। सुंदर के गैंग के पास AK-47 समेत कई खतरनाक हथियार हैं। माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ के हत्या आरोपी सनी सिंह को जो विदेशी जिगाना पिस्टल और दूसरे शूटर्स को जो पिस्टल मिली है, वो सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही पहुंचाई गई थी। सनी सिंह से बरामद जिगाना पिस्टल का भाटी गैंग से कोई कनेक्शन है, फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर पुलिस कोई बयान नहीं दे रही, लेकिन जांच जरूर चल रही है कि आखिर सनी सिंह और लवलेश तिवारी जैसे मामूली बैकग्राउंड के अपराधियों के पास तुर्की की लाखों की कीमत वाली पिस्टल कैसे पहुंची। एक जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरायम की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम सुंदर भाटी था। यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए वो चुनौती था। यूपी पुलिस ने साल 2014 में नोएडा से सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया था और तभी से वो यूपी की जेलों में बंद है। 6 अप्रैल 2021 को सुंदर को एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात को पुलिस घेरे में गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई। वारदात को 3 युवकों ने अंजाम दिया, जो पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान करीब 21 राउंड गोलियां चली, जिनमें से 8 गोली अतीक अहमद को लगी। ये बात अतीक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। अतीक और अशरफ को जब पुलिस कस्टडी में प्रयागराज के कॉलवेन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, इसी दौरान 3 आरोपियों अरुण मौर्या, सनी और लवलेश तिवारी ने उन पर तड़ाथड़ गोलियां बरसा दी। हत्याकांड के बाद तीनों हमलावरों को सरेंडर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अतीक हत्याकांड में शामिल सनी हमीरपुर, अरुण उर्फ कालिया काशगंज और लवलेश तिवारी बांदा जिले का रहने वाला है, जिनका प्रयागराज से कोई कनेक्शन नहीं है।